रहेंगे धातु के साथ क्रिया। आप लोग दो चीज पढ़ चुके हैं है ना, एक तो आप पढ़ चुके हैं नाभि स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया है, और दूसरा है विलोपन अभिक्रिया हो गया जिसे सज्जायक अभिक्रिया भी आपने पढ़ा है। आज धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो धातु के से पहले एम जी धातु के साथ, एम जी धातु के साथ, तो एम जी धातु एल्किन हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क इथर, शुष्क इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो आर एम जी एक्स बनता है। इसे कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड यह जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है ना, इसे क्या पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो आर के नाम पर आप सिग्नल एक्सपायर कर सकते हो और सीएल या आई या बी आर रख सकते हो, प्लस एम जी शुष्क इथर की उपस्थिति में होती है तो क्या बन जाएगा C2H5 है ना, C2H5 एम जी और आर, तो यह एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया है, दूसरा अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया। यह आसान अभिक्रिया है, इसमें एल्केन बनता है, सम कार्बन वाले एल्केन बनता है। तो वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ है ना शुष्क इथर की उपस्थिति में, शुष्क इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। क्या बनता है एल्केन बनता है, तो आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस टू एन ए एक्स, इधर से एक्स और इधर से एक्स और एन निकल जाता है तो यह क्या बना आपका एल्केन बन, क्या बना एल्केन। तो उदाहरण इसमें सम संख्या वाला एल्केन बनता है, याद रखिए सम संख्या मतलब होता है कि एथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा, ठीक है ना, तो सम संख्या कार्बन में सम संख्या है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CL प्लस 2NA प्लस CL सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ CL से लेकर के CL तक बाहर निकल आता है तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, इसे क्या पढ़ेंगे एथेन बनेंगे, एथेन तो दो कार्बन वाला हो गया। ठीक है, इसी तरह फ्रैंक लैंड अभिक्रिया होता है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में क्या होता है कि सोडियम की जगह पर जिंक होता है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में क्या होता है सोडियम की जगह पर क्या होता है जिंक होता है। फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, तो फ्रैंक लैंड अभिक्रिया में भी एल्केन बनता है लेकिन यहाँ पर सोडियम की जगह पर क्या ले लिया जाता है जिंक लिया जाता है और इथर के जगह पर एल्कोहल लिया जाता है, तो आर सिंगल बॉन्ड आई प्लस जेड एन प्लस आई सिंगल बॉन्ड आर है ना, आर यह निकल जाता है तो एल्कोहल की तरह एल्कोहल, तो क्या बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस जेड एन आई टू है ना, यहाँ गलती कर देते हैं लड़के जेड एन आई लिख देते हैं टू जेड एन आई लिख देते हैं जैसे यहाँ टू एन ए सी एल है तो यह ध्यान से रखें, तो आर के जगह पर आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें जैसे सी एच थ्री आई प्लस जेड एन प्लस आई सी एच थ्री मेथिल आयोडाइड हो गया है ना, तो एल्कोहल तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री प्लस जेड एन आई टू, यह क्या बन गया आपका एथेन बन गया, तो देख रहे हैं तो उल्टा अभिक्रिया और फ्रैंक लैंड
या एक समान है, ठीक है। अब है लेट के साथ अभिक्रिया है वो हम लोग देखते हैं। लेट के साथ अभिक्रिया में क्या होता है कि टेट्राएथिल लेड बनता है, टेट्राएथिल लेड बनता है। तो लेड के साथ पीबी के साथ क्रिया एथिल क्लोराइड, सपोज करिए एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड को लेड और सोडियम के मिश्र पर तो 4C2H5Cl प्लस 4PbNa यह मिश्र धातु है ना। एरो C2H5 का होल 4Pb प्लस 4 3Pb प्लस 4NaCl बन जाता है, ठीक है। अब इससे क्या पढ़ेंगे, टेट्राएथिल लेड पढ़े, इसे TEL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल भी कहते हैं। टेट्राएथिल लेड को क्या पढ़ते हैं, टेल पढ़ते हैं। ध्यान दें तो यह जो टेल होता है यह एंटी नॉक कंपाउंड होता है, एंटी नॉक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। एंटी नॉक कंपाउंड क्या है, अब ध्यान दें इसको, एंटी नॉक कंपाउंड होता है कि पहले क्या है कि ध्यान सुने, यह वस्तुनिष्ठ में पूछता है टेट्राएथिल लेड चार्ट लगा है इसलिए टेट्रा हो गया। ध्यान दें इसको, यह जो होता है जो घटिया किस्म का पेट्रोल होता है तो वह कड़कड़ाहट के साथ जलता है, ठीक है, कड़कड़ाहट के साथ जलता है। तो उसमें क्या कर देते हैं, टेल मिला देते हैं। टेल मिला देते हैं तो चूंकि फोर है यहाँ तो चार दूरी आठ कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। अब यह क्या है कि चूंकि पीबी है तो पीबी क्या होता है, लेड क्या होता है, विषाक्त होता है, जहरीला होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड या एथिलीन डाइक्लोब्रोमाइड अनुपात मिला देते हैं। यह लेड के साथ क्लोराइड और ब्रोमाइड धुएं के रूप में निकल जाता है जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। तो यह जो टेल मिला देते हैं तो इसके इसमें क्या होता है कि पेट्रोल जो होता है वह पिस्टन पर नॉक मतलब के खटखटाना, नॉकिंग जो होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नॉकिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए टेट्राएथिलेट को क्या कहा गया है, एंटी नॉक यौगिक कहा गया है, एंटी नॉक कंपाउंड कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पूछता भी है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वह आप देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं बनाने के लिए कि विरंजक चूर्ण को पानी में घोल दिया जाता है। अब पानी में घोल करके क्या किया जाता है, उसका पानी में घोल करके पेस्ट बना ली जाती है और फ्लास्क गोल पेंदी के फ्लास्क में रख दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है। ये क्लोरोफॉर्म बनाने का कितने प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से विरंजक चूर्ण को, देखिए फिगर देखिए, विरंजक चूर्ण को जल में घोलकर पेस्ट बना लिया जाता है, ऐसे घोल करने के फ्लास्क रख दिया जाता है, ऐसे संघनित्र से जोड़ दिया जाता है, यह जल संघनित्र है और इसे ग्राह्य पाक से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा।
फ्लोरो हार्ट है ना, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिला देते हैं और गर्म करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनता है जो जल संघनित से होते हुए कहाँ इकट्ठा होता है, ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहल से बन रहा है, एल्कोहल से, एल्कोहल से। तो प्रथम पद में विरंजक चूर्ण को क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2+H2, तो बन जाता है CaOH2+Cl2, क्या निकलता है, क्लोरीन गैस। प्रथम पद में क्या हुआ, विरंजक चूर्ण को पानी से अभिक्रिया करा दिए, यह क्या प्राप्त हुआ, बुझा चूर्ण प्राप्त है ना, और क्लोरीन गैस बन गई। दूसरे पद में क्या होता है कि जो एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एल्कोहल जब ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड जब ऑक्सीकृत होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, याद रखिए। तो एल्कोहल CH3CH2 और OH एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल क्लोरीन द्वारा, इसके द्वारा क्लोरीन के द्वारा, तो CH2 तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड CH3CH4+2HCl, क्या बन जाता है, 2HCl, एसिड एल्डिहाइड बन गया। तो यह एसिड एल्डिहाइड बन गया, एसिड एल्डिहाइड। अब देखिए तीसरे पद में क्या होता है कि एसिड एल्डिहाइड CH3CH4+3Cl क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, क्लोरल बनाता है। यहां से क्या होता है, यह अल्फा या अल्फा क्या तो बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा कार्बन से क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो होता है वह विलोपन हो जाता है, इसके द्वारा Cl के द्वारा, तो क्या बन जाएगा, CCl3 और CHO+3HCl, इसे कहते हैं क्या, क्लोरल है ना, क्लोरल का कह सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बन गया आपका ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसी को कहते हैं क्लोरल। चौथे पद में क्या होता है, ध्यान सुनने, चौथे पद में क्या होता है कि बुझा चूना क्लोरल के दो अणु के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो इसको बुझा चूना को लिख सकते हैं CaOH, यह आपका क्या हो गया, बुझा चूना। कहाँ बना है, पहले रिएक्शन में बना है, पहले पद में बना है, यहाँ बुझा चूना है, अब प्लस CCl3CHO, यहाँ भी CCl3CHO है ना, तो क्लोरल के दोनों अब बुझा चूना के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेगा, क्लोरोफॉर्म। देखिए इसमें से इधर से दोनों हाइड्रोजन और दाएं तरफ से दोनों CCl3 निकल जाता है, तो क्या बन गया आपका, 2CHCl3, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और दो CL3 लिख सकते हैं, तो प्लस आप इसको CaOOCRH हो गया, तो इसी तरह से OOCH, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट है ना, कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या बना, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोगशाला में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। अब है आपका एसीटोन के साथ है ना, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, विरंजक चूर्ण को पानी में घोल करके घोलते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, चूना ही बनता है।
एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, एसीटैल्डिहाइड बनता है। यह एसीटैल्डिहाइड एथेनॉल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, इसमें से बीटा हाइड्रोजन तीनों एक एक करके विस्थापन होता है, मोनो ड्राई ट्राई ऐसे करके विस्थापन होता है, तो क्लोरो बनता है CCl3 और CHO3HCl। यह क्लोरल है, ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड, तीन क्लोरीन लग गया है इसमें, ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड। अब वह चौथे पद में है गुहा चूना, जो यहाँ बना है गुहा चूना, वह क्लोरल के साथ क्लोरल के दो अणु के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है और कैल्शियम फॉर्म, यह क्लोरोफॉर्म है। अब हम लोग पढ़ते हैं एसीटोन के साथ अभिक्रिया, है ना, तो देखिए एसीटोन के साथ क्या होता है अभिक्रिया, एसीटोन तो एसीटोन CH3 COCH3 एसीटोन में भी फिर वही ब्रेजर चोर रहेगा CaOCl2 और प्लस H2O क्या बना CaOH का O2 और OH का O2 प्लस Cl2, जिस तरह से क्लोरोफॉर्म हुआ है दूसरे पद में क्या होता है एसीटोन CH3COCH3, यह क्या हो गया एसीटोन, यह एसीटोन जो आपका है यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है प्लस 3Cl2। अब देखिए यहाँ उसमें भी क्या होता था कि अल्फा बीटा हाइड्रोजन निकलता था, यहाँ यह भी बीटा है, यह भी बीटा कार्बन है, तो इनमें से या इनमें से निकाल दे या इनमें से निकाल दे तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CCl3, एच हट गया तीन और यहाँ तीन Cl जुड़ गया, अब C को अब यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3 प्लस 3HCl, है ना, इसे क्या पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो एसीटोन एसीटोन। इसी तरह जिस तरह आप जो एल्कोहल के साथ बनाए थे एसीटोन के दो अणु, है ना, वो यहाँ पर CaOH प्लस CCl3 COCH3 CCl3 COCH3 तो बताए थे कि कहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा यह दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और दाएं तरफ से दोनों Cl निकल जाए, ठीक है, तो ये बुझा चुना है, ये बुझा चुना, तो क्या बन गया 2CHCl3 प्लस Ca। अब देखिए Ca हो गया, अब COO तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OOCCH3, ये बॉन्ड है लगा या ना लगा OOCCH3, तो यह आपका क्या बना क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और यह कैल्शियम कैल्शियम एसीटेट, उसमें क्या बना था कैल्शियम फॉर्मेट, उसमें क्या बन रहा है कैल्शियम एसीटेट बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं, तो रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट गुण सब है, तो आप इसका पहले ऑक्सीकरण देखते हैं, ठीक है, अब आप लोग देखिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो कैमिकल प्रॉपर्टी का क्लोरोफॉर्म पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण
क्लोरोफॉर्म को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत कराया जाता है तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है वह आपका विषैला होता है जिसे फाजिल गैस कहा जाता है। तो टू सी एच सी एल थ्री प्लस ओ टू, यहाँ सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। अब क्या हो जाएगा? सी ओ सी एल टू, सी ओ सी ओ कहते हैं कार्बोनिल, ओ यहाँ बड़ा है, कैपिटल है, सी ओ सी एल टू प्लस टू एस प्लस टू एच सी एल, इसे पढ़ते हैं कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल पढ़ते हैं। कार्बोनिल या इसे कहते हैं फाजिल, फाजिल या फाजिल विषैला है, जहरीला है, विषैला है, विषैला। अब क्या होता था पहले, ध्यान सुने, इसके जो रख रखाव होता था पहले क्या होता था कि क्लोरोफॉर्म से ऑपरेशन होता था, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतल में, रंगीन कांच की बोतल में मुंह तक भरकर डाट लगाकर अंधेरे में रखते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतल में भर मुंह तक भरकर डाट लगाकर अंधेरे में रखते हैं। तो अंधेरे में रखते चूंकि खाली रहेगा तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड बनाएगा। यह कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है क्या? जहरीला होता है, फाजिल है, विषैला प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं कि 1% उसमें एथिल अल्कोहल ला देते हैं। कितने? 1% जो है वह एथिल अल्कोहल ला देते हैं। तो वह क्या हो जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि फाजिल गैस बनती भी है तो एथिल कार्बोनेट बन रहा है। तो देखिए O डबल बॉन्ड C HCl, HCl यह क्या हो गया? कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या कर रहा है? एथिल अल्कोहल HOC2H5, एथिल अल्कोहल हो गया। तो यहाँ से दोनों H निकल गया, अब क्या बच जाएगा? दो C2H5 है, C2H5 का हॉल 2, दो है तो दो लगा देंगे। अब एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है, तो CO3 कार्बन CO3, तीन यह हो जाएगा डाइएथिल, डाइएथिल कार्बन, कार्बोनेट। यह जो यहाँ पर, यह जो यहाँ है 1% मिला देते हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन? एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपचयन में जो हो रहा है कि जिंक अब जल के साथ है, दूसरा है अपचयन। अपचयन में जो क्लोरोफॉर्म है तो CH Cl3 + 6H + ZnH2O, ये अपचायक पदार्थ अपचयन होता है ना, तो क्या बन जाता है? मीथेन CH4 प्लस अब चार यहां चला गया है ना, तो 2HCl, यहाँ पर 3HCl, तो क्या बन गया? मीथेन। अब है क्लोरीनीकरण, तीसरा है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CHCl3 प्लस Cl2, सूर्य प्रकाश के HNU से दर्शाते हैं, तो HNU होता है, इसमें से क्या होता है कि यह हाइड्रोजन निकल जाता है, CCl4 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, अब प्लस HCl, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। इसे पाइरीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पाइरीन। क्या कहेंगे इसे? पाइरीन, कैल्शियम
टेट्राक्लोराइड का। अब है क्या, जल अवघटन, ठीक है। अब जल अवघटन में क्या होता है कि फॉर्मिक अम्ल बनता है, जल अवघटन में क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल, जल अपघटन। ध्यान से देखिए, जल अपघटन में फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। तो एच सिंगल बॉन्ड सी सी एल सी एल और सी एल के ओ एच के साथ, और के ओ एच के साथ, तो इसमें से अभिक्रिया कराया जाता है तो 3KCl प्लस एच सी तीन ओ एच रह गया दाएं तरफ का, है ना, तीन ओ एच, तो एच सी तीन ओ एच है। इनमें से क्या होता है कि जल के अणु निकला ओ एच, तो इनमें से जल के अणु निकल गया, तो क्या बन जाएगी एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहां यहां से एक ऑक्सीजन बचेगा ना, और ये ओ है प्लस एच टू, तो यह बन गया आपको फार्मिक अम्ल। फार्मिक फार्मिक अम्ल से क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल कहेंगे, या फार्मिक अम्ल एच सी ओ ओ एच प्लस के ओ एच, तो के ओ एच तो क्या बन जाएगा एच सी ओ ओ ए प्लस एच टू, है ना, एच टू। तो पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, क्या बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इसे क्या कहेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। अब इसको जोड़ भी सकते हो, जोड़ करके फूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप आज इतने तक लाइक ये आशा रहता है, थैंक यू।